बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची के पकोड़े, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसे बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो ये है। मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ऐसी बड़ी वाली, देखें, बाज़ार में आई हुई है और बहुत ही आई हुई है, सर्दियों में ही आती हैं ये। और उसको मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद, इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसके बीज निकाल लिया। इमली मैंने भिगो दी थी और इसके बीज निकाल लिए। इमली का पल्प है ये, 2 खाने के चम्मच। बेसन लिया है मैंने 2 कप। आलू 500 ग्राम लिए थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और मैश भी कर लिया है फॉक्स की मदद से। और मसालों में जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा लिया था, इसको मैंने तवे पर भून के आधा आधा खाने का चम्मच लिया था मैंने, इसको तवे पर भून के मोटा मोटा कूट लिया है। लहसुन अदरक लिया है पीसा हुआ मैंने, आधा खाने का चम्मच। चाट मसाला लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। हल्दी ली है मैंने 1/2 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें लिए मैंने 1 चाय का चम्मच। अजवाइन लिए मैंने 1 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा लिया है मैंने, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं है, मीठा सोडा लिया है मैंने 1/2 चाय का चम्मच। नमक लिया है मैंने 1/2 खाने का चम्मच और पानी लिया है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन में सबसे पहले हम 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन शामिल कर देंगे, हल्दी, धनिया जीरा जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था 1/2 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच ली थी 1/2 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे, चाट मसाला ये भी शामिल कर देंगे, नमक 1/2 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक 1/2 खाने का चम्मच ये भी शामिल कर देंगे। अब इसका बैटर तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। थिक बैटर हमें बनाना है इसका, हरी मिर्चों का। ये देखें, बेसन को हम ऐसे मिक्स करेंगे कि ये थिक रहे, ज़्यादा वो ना हो लिक्विड में। ये देखें, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये देखें ऐसा होना चाहिए। बस ये रेडी है, मीठा सोडा भी शामिल कर देंगे इसमें, बस ये तैयार है। अब आलू में मसाला मिलाएंगे हम 1/2 खाने का चम्मच, धनिया जीरा, लाल मिर्चें पिसी हुई 1/2 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और इसमें जाएगा इमली का पल्प 2 खाने के चम्मच। ये सब शामिल करके अच्छे से हम मसाले को मिला लेंगे आलू के। देखें, आलू में मैंने मसाला अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम हरी मिर्चों में भरेंगे। मैं हाथ की मदद से भर रही हूँ, आप चाहे तो इसको स्पून की मदद से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे देखें, दबा दबा के भरिएगा इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे हम सारी मिर्चों में मसालों को भर लेंगे ऐसे 1 by 1। देखिए, मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया है। अब इसको हम बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। ये देखें, ऐसे डिप कर लेंगे हम बेसन में, ऐसे करके। तेल को पहले ही मैंने गरम रख दिया है। हम सारी हरी मिर्चें को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे बाकी की हमने की है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मसाला कितनी अच्छी तरीके से चिपका है हरी मिर्चों पर। आज पे हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे मिर्चों के। ये देखें, जैसे ही गोल्डन होने शुरू होंगे इसको हम निकाल लेंगे। ये तैयार है, फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे।
ये देखिए मज़ेदार से मिर्ची के पकोड़े हमारे तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से मिर्चों के पकोड़े तैयार है। आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।